तो देखो ये रहा राज चौहान। तो भाई ये होता है चूर चूर नान, ये देखो कितना बटर है इसके अंदर, बटर काजू किशमिश। तो वहां पर मैं जाऊंगा तो मैं देखूंगा, क्या पता मैं वहीं पर ही खुलवा लूं अपना सबसे पहला। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं तो बढ़िया हूँ, मजा आया। फिर शुरू हो गए, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। आई डोंट हैव अ गन टू शूट देम, तो भाई कभी मिलेगी भी नहीं हो। देखा गलत बोलता हूँ तो कहाँ से आ जाती है मेरे को, पता नहीं क्यों। सो भाई आप सब कह रहे हो भाई सब क्या देखना पड़ रहा है, आज क्या कर रहा है भाई तू। तो भाई अब मैं बताता हूँ आप सबको, और कि भाई मेरा इंटरनल हो चुके हैं खत्म, 5-6 तारीख से मेरा एक्सटर्नल शुरू हो जाएंगे। चलो ठीक है, समझाया नहीं यार, वो साइड में फ्लोर का काम हो रहा है, उधर जाओ अंदर से, फिर 3-4 फ्लोर, पता नहीं कौन से फ्लोर में काम हो रहा है, इसलिए उनको क्या बोलना है यार। तो भाई आप सबको मैं बता दूं, जैसे मेरे इंटर मजा आया, अब शांत हुआ। तो भाई आप सबको मेरे को बताना कि देखो जैसे मेरा इंटरनल है वो मेरा खत्म हो चुका है, अब मेरे 2-3 दिन बाद एक्सटर्नल स्टार्ट हो जाएगा। तो तब तक अभी जो 2 दिन की मेरी छुट्टी है, तो तब तक मैं सोच रहा हूँ कि यार अपना अकाउंट खुला लूँ बैंक में। तो मुझे खुलवाना वैसे PNB में है, पर अभी मैं इंडियन ओवरसीज बैंक में जा रहा हूँ मम्मी के साथ, वहां पर कुछ काम है हमें, तो वहां पर मैं जाऊंगा तो मैं देखूंगा, क्या पता मैं वहीं पर ही खुलवा लूं अपना सबसे पहला जो अकाउंट होगा वहां पर, जो मैं दिल्ली में खुलवाऊंगा फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ। मैं सोच रहा हूँ भाई क्या क्या चीजें लेके जानी, क्या नहीं लेके जानी, वो सब चीजें मैं पहले से फोटोकॉपी करवा लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कराऊंगा आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी, और अपनी पासपोर्ट साइज की 2 फोटोज रख लूंगा। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ऐसा आप भी खुलवा सकते हैं। सब क्या देखना पड़ रहा, तो आपसे बोलेंगे भाई हम सबको पता है, पर भाई जिनको नहीं पता मैं उनके लिए भी बना रहा हूँ, और आप सब देख रहे हैं, तो आप सब ले तो भाई है ना। तो ऐसे तो नहीं बोला, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो नहीं बोला, मैंने तो बात करी थी पैन 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 कार्ड और आधार कार्ड के लिए बोल रहा था। पासपोर्ट साइज एक फोटो निकाल लेना, ये मम्मी ने निकाला नमकीन। सो भाई फोटो कॉपी करा के तो आ गया, और टाइम अभी हो रहा है 12:35, और मम्मी अरेंज कर रही है जो भी हमने फोटो कॉपी करवा रखी है। तो पीछे देखो ये कर रही, तो मम्मी पास सुनो कितने बजे तक हो जाता है लंच वहाँ पर? 1:30 में। कब के आगे बढ़े वापस? 1:30 में वहाँ पर लंच हो जाता है, तो यहीं पर ही हमको पास में जाना है। कहाँ पर है वैसे मेरे को, राजपुरी में द्वारका सेक्टर 5 की साइड ना, तिरंगा चौक है, जाना ही रहने दो, बस ओरिजिनल रखना ठीक है अपने, आधार कार्ड और पैन कार्ड, तो वही चीज तो रखनी ही रखनी है, और फोटोज भी भाई 2 फोटोज। तो मेरी फोटो कौन सी है भाई, कौन से जमाने की है, दिखाऊं क्या? कान भी नहीं दिख रहे इसमें, दिख रहा फोटो नहीं, कैसे है खिंचवा के देख लो, इसके अलावा कोई और फोटो होगी तो बोल ले जाता हूँ। तो फटाफट चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, और पैन लेके जरूर जाना। बैंक अकाउंट तो सब खुलवाने जाते हैं, पर ये है कि ओवरसी बैंक का ना कुछ क्राइटेरिया होता है, वो भी हम पूछेंगे कि क्या बताते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा अलग है, तो तभी उसको खोलने के हम ट्राई करेंगे। तो लेट्स गो। तो मेरे चाहने वालों, आप जानते हैं ना कहाँ इंडियन ओवरसीज बैंक, तो काफी जने तो पहली बार सुन रहे होंगे नाम, पर सच्ची में ये एक बैंक है जहाँ पर आपको मिलते हैं बहुत सारी फैसिलिटीज, तो वो तो जाके ही पता चलेगी। तो देखो यहाँ से जब मैं आगे आगे जा रहा था, तो भेलपूरी तो नहीं खा रहा था, पर सीधे सीधे ही जा रहा था, तो रास्ते देखो ऐसे घिचमिच वाले हैं, मीन्स की जो रास्ते हैं आपको एकदम से लगेगा कि गली बंद है, पर गली बंद नहीं है। आगे टर्न आपने लिया तो सीधे सीधे जैसे आप जा रहे हो तो आ गया राजापुरी की रोड, तो मैंने वहां से ले लिया लेफ्ट टर्न। तो लेफ्ट टर्न लेते ही इतनी सारी जो दिख रही है ना आपको राइट साइड लेफ्ट साइड में, इनका भी ना गली नंबर है, तो गली नंबर मुझे पता नहीं है, तो आप सबको जब पता चल जाए तो मुझे कमेंट करके बता देना, है ना। तो देखो आगे से मैंने लिया राइट टर्न, सर्विस लाइन से जा रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले आपको दिखेगा राज मंदिर स्टोर है, बहुत बढ़िया यार, इतना बढ़िया सामान मिलता है, इधर से जाके पता चलेगा, गया तो नहीं अभी तक, सुना है मैंने। तो यहीं से देखो आप सीधा सीधा जाओगे तो SDFC बैंक आता है, फिर आता है तिरंगा चौक, तिरंगा चौक से आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो आप पहुंचेंगे सेक्टर 13-11, पर आपको यहीं से SDFC बैंक जो दिख रहा है ना, यहीं से सीधा सीधा जाओगे तो सेंट्रल बैंक आएगा, उसके बाद आएगा इंडियन ओवरसीज बैंक में, तो ले चलता हूँ आपको वहां पर। तो देखो पहुंच गया, देखो इतनी जल्दी। तो भाई पीछे देख सकते हो तिरंगा चौक के थोड़ा सा और आगे सेंट्रल बैंक आता है, और उसके थोड़ा सा आगे 2-3 दुकान छोड़ के, शॉप छोड़ के आ जाता है इंडियन ओवरसीज बैंक, पीछे आपको दिख रहा है, ऐसे ही है, वहां से जाओ अपने अंदर, ये रहा देखो राजापुरी द्वारका शाखा इंडियन ओवरसीज बैंक, सो इसके अंदर हम चलते हैं। तो मेरे चाहने वालों, आप सबको लेके चलता हूँ इंडियन ओवरसीज बैंक में। तो भाई सबसे पहले आपको फर्स्ट फ्लोर में एंट्री लेनी है, तो एंट्री के लिए आपको 1000 रुपये नहीं देना, कुछ नहीं देना, सीधा अंदर एंट्री ले लो। तो भाई देखो राइट साइड में जो आपको दिख रहा होगा काउंटर जैसा, वहां पर कैश डिपॉजिट होता है और विड्रॉ होता है। तो भाई सबसे पहले मैं इन भैया के पास गया, भैया मत बोलना, सर बोलना, क्योंकि कहने भी लायक हैं और हैं भी अच्छे, क्योंकि खुद आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे कि आपको क्या करवाना है,
कुछ भी कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है तो आइए हम हल करते हैं। तो भाई इनको हमने वेरीफाई करने के लिए जैसे ही बोला तो इन्होंने वेरीफाई बहुत जल्दी कर दिया, मतलब कॉपरेट कर रहे हैं अच्छे से। तो उसी टाइम मैंने बोला कि मुझे ओपन करवाना अपना अकाउंट, तो उन्होंने ये फिल करने के लिए दिया कि इसे फिल करो अच्छे से। तो मैंने फिल करना जैसे शुरू किया तो भाई फर्स्ट पेज ही किया सिर्फ, अंदर का भूल ही गया। तो सीधा मैं लेके गया अपने फॉर्म को चेक करवाने के लिए, और ये अंडरटेकिंग का फॉर्म था तो यहाँ पर आप फॉर्म पूरा फिल अच्छे से कर सकते हैं। तो मैंने उसी टाइम डिसाइड किया कि चलो मैं अपना फॉर्म दिखा तो दूँ जो फिल करवा रहा हूँ। तो जैसे ही इनके पास मैं गया तो इन्होंने फर्स्ट पेज देखा कि वाह यार सही फिल करा है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब ब्लैंक। तो बोला भाई ई का हो रो, तो मैं करा है, इन्होंने बोला भाई फिल कर दो अच्छे से। तो मैंने फिल जैसे ही करने के बाद इन्होंने भी वेरीफाई कर दिया कार्ड, जो मम्मी ने वेरीफाई करा था। उसके बाद हम बाहर आ गए, फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। और यार अगली बार उन्होंने बोला कि भाई अपने ना लेटेस्ट फोटो लेके आना जो लास्ट सिक्स मंथ में आपने खिंचवाई हो। तो भाई उसी टाइम मम्मी ने देखा राइट साइड में कि एक ब्लैंकेट वाले हैं जो बेडशीट भी दे रहे हैं, कारपेट भी है, सारी चीज़ें उनके पास। तो मम्मी ने जैसे ही उनसे रेट पूछा तो यार रेट भी इतना हाई फाई, मीन्स कि यार जितना सोचा था उसके भी डबल या ट्रिपल था। तो मम्मी ने बोला मुझे कौन सा लेना था, मेरे को तो सिर्फ पूछना था। तो पूछने के बाद वहां से हम निकल ही रहे, तो मैंने बोला कारपेट भी देख लो, मम्मी ने बोला छोड़ यार अब चलते हैं। आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ये रहा सामने इंडियन ओवरसीज बैंक, इधर आके आप खुलवा सकते हैं खाता। डिटेल्स मैं और ज्यादा दूंगा आपको बाद में घर जाके, तो अभी सीधा घर निकल। तो वहां से जैसे हम निकले तो मुझे एक गाना ध्यान आया, इधर चला मैं उधर चला, पर एक चीज आपको बताऊं मैं कुछ भूल चला कि भाई इसी लाइन में आपको दिखेगा राज चौहान की स्पेशल थाली, मतलब जो सर्विस लाइन आपको दिख रही है ये सेकंड नंबर वाली है, दो लाइन है उधर। तो लेफ्ट साइड में जो तंबू जैसा आपको दिख रहा है ना, ये है राज चौहान की स्पेशल थाली, मैं आप सबको लेके चलता हूँ, तो लेट्स बिगिन। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सामने जो दिख रहा है वो है राज चौहान के स्पेशल अमृतसरी चूर चुना। तो मैंने सबसे पहले मम्मी को बोला, तो मम्मी ने बोला कि भाई फटाफट ले घर में खाते हैं, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, आपको सबको पहले मैं बता दूंगा लोकेशन कहाँ है, लोकेशन है सेक्टर 5 में, सर्विस लाइन में आपको राइट साइड में आपको दिख जाएगा जो सेक्टर 5 के पार्क के बिल्कुल सामने है। तो भाई देखो ये जो बंदे बना रहे हैं ये है 60 रुपीज वाले अमृतसर के आलू नान। तो आलू नान के लिए सबसे पहले इन्होंने आलू नान ही रख दिया, मैंने ऑर्डर दिया था चूरचूर नान के लिए। तो देखो सामने जो आपको दिख रहा है ये चूरचूर नान को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो प्रिपेयर करने के बाद तो भाई इन्होंने जैसे आग में भुनने के लिए रखा, भुनना मीन्स की जो ये चूल्हा दिख रहा है इसमें रखा, रखने के बाद इसको फटाफट पका दिया। पकाते ही देखो मेरा ही निकाल दिया ना इन्होंने, देखो चूरचूर नान है ये दो दिख रहे हैं भाई, इसके अंदर बटर काजू किशमिश पता नहीं क्या क्या चीज़ है भाई, बटर तो भर भर के रखा हुआ था। तो भाई फटाफट निकले हम वहाँ से। लो मम्मी रखो, मैंने मम्मी चूरचूर नान लिया है अपने लिए और आपके लिए प्लेन आलू नान है ना। तो चलो अब चलते हैं, बहुत देर भी होगी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो यार एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको ये राज चौहान के स्पेशल चूरचूर नान। तो यहाँ पर हमेशा भाई इतनी भीड़ रहती है ना यार, तुम मानोगे नहीं, जाओ आपको पता चलेगा। तो देखो आपको जो रास्ता दिखा है राजापुरी का ही है, पर राजापुरी से हम सीधा सीधा चले गए अपनी बेकरी में, हमने टर्न नहीं लिया। तो देखो हम सीधा सीधा जा रहे हैं, तो आपको भी लग रहा होगा कि भाई तुम कहीं और भी जा रहे हो, यस हम जा रहे हैं चित्राल रोड में। तो चित्राल रोड में आप सबको मैं लेके जाता हूँ, बस सीधे सीधे जाना है, कहीं पर भी नहीं मुड़ना, मुड़ना बिल्कुल टक्कर पे जाके है। तो ये दिखाता हूँ आपको, सामने आपको जो दिख रहा है ये है शांति नर्सिंग होम, तो यहाँ से लेना राइट टर्न। तो यार यहाँ से जैसे मैंने टर्न लिया लेफ्ट, तो लेफ्ट पहुँच गया मैं देखो चित्राल रोड में। तो भाई चित्राल रोड से हम सीधा टक्कर पे जाएं तो पहुँच जाएंगे आर एस मार्ग रोड में। तो मम्मी अभी ले रही है अपना सूट, तो यहाँ से लेके फटाफट निकलेंगे अपने घर के लिए यहाँ से। तो यार यहाँ से मैं जा रहा था तो मैंने सोचा यहाँ के एक वीडियो बना देता हूँ कि अगर आपकी मम्मी दीदी आपकी वाइफ या फिर आपकी जोन सी भी फ्रेंड्स हो तो उनको यहाँ पर बनाना हो तो सूट बनवा सकते हैं। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ के लोकेशन, वैसे इसको मानस कुंज रोड भी कहते हैं। तो सामने देखो आपको दिख रहा है न्यू फैशन ब्यूटी के नाम से, तो आइए यहाँ पर आप सब। तो भाई अब निकल रहे हैं यहाँ इसकी, तो भाई अब निकल रहे हैं हम इसकी जात का, मजा आया। तो यार थोड़ा सा शोर हो रहा था इसलिए मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए, पर उसे आप लाइट ले लीजिए क्योंकि मैं तभी थोड़ा फन मूड में रहता हूँ। तो देखो यहाँ से मैं निकल ही रहा था, तो मानस कुंज चित्राल रोड इसे कहते हैं। चित्राल रोड का मुझे मम्मी ने बताया कि चित्राल रोड इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि यहाँ पर पहले चित्राल डॉक्टर थे, तो इसीलिए बहुत जने मैंने तभी बचपन से भी सुना कि चित्राल रोड कहते थे। तो तभी आपको आना है तो मानस कुंज रोड या फिर चित्राल रोड करके आ सकते हैं। तो मैं घर पहुँचता हूँ पहले। वही अपन आ चुके हैं और सैनिटाइज भी अभी कर लेंगे, दिखाता हूँ जो हम लेके आए हैं। तो मम्मी अभी सर्व कर रही है, तो ये रखा हुआ है पनीर इसके अंदर, और ये आ रही है दाल मखनी जिसमें मक्खन भर भर के डाला हुआ है, और इसमें आएगा रायता। रायता का गया रायता, ये रहा भैया रायता।
एक होता ना जब वो सामने गर्म गर्म बना रहे थे, मेरा मन कर रहा था उधर ही खा लूं, पर एक मजा आता कि मम्मी के साथ खा रहा हूँ खाना यहाँ पर, तो घर में आराम से खाऊंगा, नहीं तो वहाँ खड़े खड़े खाओ। पर एक अलग मजा आता है तब जब खेल के आते हैं और तब खाते हैं तब। पर अभी ऐसे कि हम जहाँ भी गए थे अकाउंट खोलने के लिए गए थे, उसके बाद हमने वहां से लिया और सोचा कि यार आराम से घर में खा। ये देखो ईरा आलू नान इसमें रखा हुआ है, अलग से ऐसे पैक करते हूँ। और जो चूर चूर नान है 90 रुपीज का, वो ये रहा देखो भाई कितना गीला हो रहा है यार, देखो देखो ना मैं इसके अंदर खोल के दिखा दूं। तो भाई ये होता है चूर चूर नान, ये देखो कितना बटर है इसके अंदर, बटर काजू किशमिश, ओए होए होए बादाम नहीं होता शायद इसमें। तो भाई ये मात्र सिर्फ 90 रुपए का है ये वाला, और जो ये वाला है ये 60 रुपीज का। तो भाई अब इसको हम खाएंगे आराम से। तो भाई मन तो मेरा बहुत देर से कर ही रहा था खाने को, मम्मी ने एकदम से बोला कि नान ले लेते हैं, तो बोला ठीक है फटाफट ले हमने। तो अब इसके मजे लेते हैं खाने में, और आप भी अगर खाना चाहते हैं तो सीधा आप पहुंच जाइए जहां पर मैंने बताया कि राजापुरी से आगे सेक्टर 5 और तिरंगा चौक के बीच में आता है सर्विस लाइन में राज चौहान स्पेशल थाली करके आता है। तो भाई अगर आपको ये खाना हो तो जाइए मस्ती से खाइए, ठीक है। तो भाई अभी का ब्लॉग मैं इतना रखता हूँ, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और आप सब भी खुश रहना। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।